हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में अपार आईडी, जो आपको देखने को मिल रही होगी नया नोटिस, अपार आईडी क्या है। इससे पहले जो आईडी चल रही थी वो एबीसी आईडी चल रही थी, और एक डीजी लॉकर ऐप आपने काफी दिनों से नाम सुन रहे होंगे। इन तीनों में क्या रिलेशन है और किस प्रकार से ये काम करते हैं, नई आईडी है वो अपार आईडी। अपार आईडी इसका क्या काम रहेगा, अपार आईडी है वो 12 डिजिट नंबर की रहेगी। जिस प्रकार से आपके आधार कार्ड जो नंबर है उनमें कितने नंबर होते हैं, उनमें भी 12 डिजिट के नंबर होते हैं, उसी प्रकार से 12 डिजिट नंबर की आपकी अपार आईडी रहेगी। और ये अपार आईडी किन स्टूडेंट्स की रहेगी, अपार आईडी रहेगी ओनली स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अपार आईडी किन की बनेगी, ओनली स्टूडेंट के लिए। देख सकते हो आप, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, यानी कि पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से एक आदमी का एक ही आधार नंबर होता है, उसी प्रकार से पूरे भारत के अंदर एक स्टूडेंट की ओनली एक ही आईडी रहेगी। अभी इस आईडी का जो अपार आईडी है क्या, अपार आईडी है समझ में आ गई, लेकिन अपार आईडी का किस प्रकार से प्रोसेस रहेगी, आगे किस प्रकार से बनेगी, क्या इसका उपयोग रहेगा। एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, यानी कि आप किस एकेडमी में हो, पूरा डिटेल्स आपका क्या रहेगा उसमें रहेगा। जिस प्रकार से आजकल हर एक चीज आधार कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड में हमने जैसे हम नाम आधार कार्ड नंबर डालते हैं उसमें हमारा पूरा बायोडाटा एड्रेस निकल के आ जाता है, उसी प्रकार से जो अपार आईडी है उस अपार आईडी में हमारे पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रहेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से रहेंगे देखना, अगर किसी स्टूडेंट्स की 10वीं मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है, लेकिन आधार कार्ड है उसमें इसमें नाम गलत है, किसी में डेट ऑफ बर्थ गलत है, अब किसका आय प्रमाण पत्र उसमें चेंजमेंट रहेगा, किसी के जाति प्रमाण पत्र है, किसी का पैन कार्ड है, किसी की कॉलेज की मार्कशीट है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हो जाते हैं, उनमें क्या रहती है हमारे पास मिस्टेक, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखने के साथ मिलती है कि किसी की जन्म तिथि है, किसी के नाम में कुछ एक दो एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं या कुछ कम हो जाती है, इस प्रकार से देखने को मिलती है। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए जो अपार आईडी का क्या किया है, निर्माण किया गया, अपार आईडी कैसे बनेगी वो भी हम बताएंगे। तो ये देखना अपार आईडी, यहाँ से देखना जो अपार आईडी है वो हर एक डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग से हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे। जब शुरू से हमारा स्टार्टिंग रहेगा डॉक्यूमेंट्स, उसी में जो नाम पता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे चलता रहेगा। अपार आईडी की जो मान्यता है वो किस प्रकार से मिलेगी, अपार आईडी की मान्यता है वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स से वो आगे जाके वेरिफिकेशन होगी। अगर आप यूनिवर्सिटी से हो तो यूनिवर्सिटी बोर्ड में जाएगा, अगर आप स्कूल बोर्ड से हो तो स्कूल बोर्ड में जाके आपके क्या रहेगा, स्कूल में हो तो स्कूल बोर्ड में जाके आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेरिफिकेशन होंगे कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी तो है या नहीं है। उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर हमारी अपार आईडी का निर्माण होगा। उस अपार आईडी का निर्माण होगा यानी कि जो अपार आईडी है उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं वो सब क्या है, रियल है ओनली, फर्जी नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंट्स है सही है। तो इसका मतलब है कि हमारे अब जो आगे आने वाला जो समय है उसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कई जगह एडमिशन करवाने जाते हैं या फिर किसी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे पास 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉलेज की मार्कशीट, सब मार्कशीट हमें लेकर जानी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ओनली ओनली क्या लेकर जाना पड़ेगा, अपार आईडी हमें लेकर जानी पड़ेगी। हर एक जगह अपार आईडी, जिस प्रकार से हम आधार कार्ड से कहीं भी घूम सकते हैं उसी प्रकार से अपार आईडी से एक स्टूडेंट्स का हर एक जगह क्या नाम चलेगा कि हाँ उसके इतनी डिग्री की हुई है, सब पूरी डिटेल्स जो स्टूडेंट से संबंधित जैसे कॉलेज पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ाई से संबंधित उस अपार आईडी में रहेगी। अब अपार आईडी कैसे बनेगा, अपार आईडी किस प्रकार से बनेगा, मैंने एबीसी आईडी का जो वीडियो बनाया था लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में ही अपार आईडी बनेगी, पहले आप क्या बनाओगे, एबीसी आईडी बनाने के बाद में ही आपकी क्या बनेगी, अपार आईडी बनेगी। और एबीसी आईडी किस प्रकार से बनेगी, आप डीजी लॉकर में जाओगे, डीजी लॉकर से, डीजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जिसमें हमारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां से हम जाएंगे अपार आईडी, सॉरी पहले एबीसी आईडी जाएंगे। तो एबीसी आईडी किस प्रकार से बनेगी, एबीसी आईडी हम का वीडियो बता रखा है किस प्रकार से, पहले इसमें आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी किस ईयर आपने क्या पास किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन बनने के बाद में हमारी क्या बनेगी, एबीसी आईडी बनेगी। एबीसी आईडी कॉलेज में जमा कराने के बाद, एबीसी आईडी को कॉलेज में जमा कराने के बाद में आप स्कूल में तो स्कूल में जमा करवा सकते हो। देखना एबीसी आईडी कौन कौन स्टूडेंट्स बना सकता है, एबीसी आईडी अगर आप स्कूल से हो तो स्कूल वाले बना सकते हो, ठीक है, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी क्या करा सकते हैं, बना सकते हैं। अन्य आप किसी फील्ड यानी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से हो कहीं से भी तो वो भी यहाँ कर सकता है, अपार आईडी बना सकता है, स्कूल वाले भी, कॉलेज वाले, या किसी मेन यूनिवर्सिटी से हो
अन्य किसी भी वहां भी क्या कर सकता है इसको बना सकता है, अन्य कोई फील्ड में वो भी क्या कर सकता है इसको बना सकता है। देखिए बनेगी कैसे, अब बनेगी कैसे तो देखना, सबसे पहले तो जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको एबीसी आईडी जमा करवानी पड़ेगी, एबीसी आईडी के नंबर और आधार कार्ड के नंबर से ही क्या बनेगी हमारी अपार आईडी बनेगी। साथ ही साथ इसमें घर वालों की मान्यता भी रहेगी, हमारी जो पेरेंट्स हैं उनकी अगर वो अप्रूव करते हैं, वो मान्यता देते हैं कि आप बना सकते हो तभी बनेगी, एक डॉक्यूमेंट से सिग्नेचर होंगे, डॉक्यूमेंट से सिग्नेचर करवा के हम कॉलेज में जमा करवाएंगे, वो कॉलेज वाले फिर क्या कर देंगे हमें अपार आईडी बना के देंगे, और ये अपार आईडी का एक जो डिजिट नंबर रहेगा वो हमारे पास परमानेंट रहेगा, जैसे इस प्रकार से आधार कार्ड के नंबर है उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से देख सकते हो अपार आईडी इस प्रकार से आपकी बनेगी। कौन कौन बना सकता है, स्कूल वाले स्टूडेंट्स, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को बना सकते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो कुछ कमेंट्स कर सकते हो आप, तो हम कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर देंगे। इसके बाद में क्या उपयोग रहेगा इसका, कुछ उपयोग तो मैंने बता दिया लेकिन अन्य भी इसका उपयोग है। आप जॉब लगने के बाद में आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ आपने स्किल डेवलपमेंट किए, स्किल का कोर्स किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें रहेगी, तो स्किलिंग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, रीस्किलिंग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा और जैसे आप किसी बस या फिर ट्रेन से यात्रा करते हो तो उस टाइम में भी आपको कुछ आईडी की आवश्यकता रहती है, तो उस आईडी में भी आपको क्या कर सकते हो अपार आईडी का उपयोग कर सकते हो। एक जो आधार कार्ड है सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक आम आदमी का अधिकार है आधार कार्ड, उसी प्रकार से हर एक स्टूडेंट्स का अधिकार क्या रहेगा अपार आईडी में रहेगा, ठीक है, इसी प्रकार से रहेगा। अब किस प्रकार से आप कैसे बना सकते हो, इसका क्या उपयोग रहेगा, और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको यहाँ पे पूरा नोटिस दिख रहा होगा, नोटिस पढ़ ले सकते हो आप, पूरा इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट।